नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। टीम इंडिया में गौतम गंभीर की वापसी पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने दी बधाई। कहा, मैं गौतम गंभीर का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वो सौरभ गांगुली जैसा कमबैक करेंगे। भारत न्यूजीलैंड के बीच बचे दो टेस्ट में खेलेंगे गंभीर। भारत न्यूजीलैंड के अगले टेस्ट मैच के लिए ईडन की पिच को लेकर सौरभ गांगुली ने किया खुलासा। नमी से भरी ईडन की पिच न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिनर्स की मदद में ले सकती है कुछ समय। बॉल को टर्न लेने में लग सकता है वक्त। मध्य प्रदेश में भारत न्यूजीलैंड टेस्ट के टिकटों पर मनोरंजन कर छूट की मिली मंजूरी। करीब 20% सस्ते हो जाएंगे टिकट। 8 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। जर्मनी की महिला टेनिस खिलाड़ी एंजेलिक केर्बर ने कहा, आसान नहीं है नंबर वन रहना। सेरेना विलियम्स से रहना होगा सावधान। यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम जीतकर नंबर वन पर बरकरार है केर्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई कड़ी फटकार। कहा, खुद सीधे हो जाइए वरना हमें आदेश देकर सीधा करना पड़ेगा। लोढ़ा समिति ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। कहा, बीसीसीआई सुधारों को लागू नहीं कर रहा। और वुहान ओपन के तीसरे दौर में पहुंची सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी। कनाडा की गैब्रियला दाब्रोवस्की और स्पेन की मारिया जोस मार्टिनेज सांचेस को हराया। पिछले हफ्ते सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने जीता था पैन पैसिफिक ओपन का खिताब। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।